आइए चैप्टर 9 में एग्जांपल 4 सॉल्व करते हैं। पहले से एग्जांपल को समझते हैं। ग्राउंड पे किसी पॉइंट पी से 10 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। भवन के टॉप पे एक फ्लैग को लहराया गया है और पॉइंट पी से फ्लैग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। हमें फ्लैग स्टेफ की लंबाई और पॉइंट पी से बिल्डिंग की दूरी निकालनी है। आइए पहले इस क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए बी कोई बिल्डिंग है और ए डी फ्लैग है। डी फ्लैग का टॉप है और ए बिल्डिंग का टॉप है। बिल्डिंग के टॉप से पॉइंट पी का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और पॉइंट डी से पॉइंट पी का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। पॉइंट डी फ्लैग का टॉप है। इस क्वेश्चन में हमें एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए पी बी पॉइंट पी पे बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। बिल्डिंग का टॉप पॉइंट ए है और एंगल डी पी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। पॉइंट डी जो कि फ्लैग का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट पी पे 45 डिग्री है। ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 10 मीटर, यानी ए बी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर। हमें फ्लैग स्टेफ की लेंथ निकालनी है, यानी कि फ्लैग स्टेफ ए डी है तो ए डी की लेंथ निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी यानी बी से पी की डिस्टेंस बी पी निकालनी है। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इन दिस फिगर ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए डी इज फ्लैग स्टेप एंड पॉइंट पी इज द गिवन पॉइंट। वी हैव टू राइट ट्राइंगल, दैट इज हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हैं। फर्स्ट राइट ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम ट्राइंगल ए बी पी में 10-30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। 10-30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होगा। परपेंडिकुलर यहाँ ए बी है क्योंकि 30 डिग्री के सामने की साइड ए बी है और हम जानते हैं कि जिस एंगल के लिए हम रेशियो निकाल रहे हैं उस एंगल की सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। तो 30 डिग्री के सामने की साइड ए बी है तो ए बी परपेंडिकुलर हुआ, बी पी बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 का रेशियो। तो 10-30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी, दैट इज 10-30 डिग्री 1/√3 होता है। तो 1/√3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ए बी जो कि बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर दी हुई है, 10/BP। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे दैट इज बी पी इज इक्वल टू 10√3 इज इक्वल टू 10 × 1.73 इज इक्वल टू 17.32 मीटर, यानी बीपी की डिस्टेंस हमने निकाल ली है 7.32 मीटर। बिल्डिंग से पॉइंट पी की डिस्टेंस हमने निकाल लिया 17.32। अब हमें फ्लैग स्टेप की लंबाई चाहिए यानी एडी की लेंथ। नाउ इन ट्राइंगल डी बी पी, ट्राइंगल डी बी पी में एंगल डी पी बी 45 डिग्री है। एंगल डी बी पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। 10-45 डिग्री इज इक्वल टू, हम 10 का रेशियो निकाल रहे हैं 45 डिग्री के लिए। एंगल डी पी बी 45 डिग्री है तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है और 45 डिग्री के सामने की साइड बी डी है और बेस बी पी है। तो 10-45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी पी। 10-45 डिग्री इज इक्वल टू BD को हम AD प्लस AB लिख सकते हैं। AB में अगर हम AD प्लस कर दे तो टोटल BD हो जाएगा। 10-45 डिग्री इज इक्वल टू AB प्लस AD और BP की लेंथ अभी हमने कैलकुलेट की है 17.32, दैट इज 10-45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू AB प्लस AD अपॉन 17.32, दैट इज 17.32 इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, दैट इज ए डी इज इक्वल टू 17.32 माइनस ए बी इज इक्वल टू 17.32 माइनस 10। ए बी की वैल्यू 10 मीटर है जो कि बिल्डिंग की हाइट है, इज इक्वल टू 7.32 मीटर।
AD is equal to 7.32 meter. Hence, length of flag staff is equal to AD is equal to 7.32 meter and distance of the building from point P equal to BP is equal to 17.32 meter.